Assalamu alaikum, dear students. I'm your instructor Salman Amin Malik, and we are having the course together, what we call the operation research. Aaj operation research ka 14th lecture jo hai hum start karne ja rahe hain. Aur last 13th lecture mein humne ek naya jo topic jo hai wo start kiya tha, aur maine aapko last lecture mein bataya tha ki hum next jo do ya teen lectures mein yahi topic start karenge, what we call the dual of an LP problem. लेट मी रिकॉल जो कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था. हमारे पास एक एलपी प्रॉब्लम था, उसके कोरस्पोंड हमने लास्ट लेक्चर के फर्स्ट सेक्शन में ये सीखा था कि उसके कोरस्पोंड एक और एलपी प्रॉब्लम जो है वो किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और उस एलपी प्रॉब्लम का हमने नाम क्या रखा था, डुअल प्रॉब्लम रखा था. वी कॉल इट द डुअल प्रॉब्लम ऑफ द ओरिजिनल एलपी प्रॉब्लम, और जिस ओरिजिनल एलपी प्रॉब्लम को हमने कहा था उसको हमने प्राइमल प्रॉब्लम कहा था. ठीक है, आज के लेक्चर में हमने सिंप्लेक्स मेथड की कंप्यूटेशंस जो हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में वो हमने स्टडी करनी है, और ये हमने लास्ट लेक्चर के सेकेंड पार्ट में भी किया था. इनफैक्ट प्राइमल प्रॉब्लम जो कि ओरिजिनल एलपी प्रॉब्लम दिया गया होता है उसको हम प्राइमल प्रॉब्लम भी कहते हैं. प्राइमल प्रॉब्लम और डुअल प्रॉब्लम जो है इन दोनों के दरमियान बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था. लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था सेकेंड पार्ट में लेक्चर के कि अगर प्राइमल जो है उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें पता हो, इन अदर वर्ड्स ऑप्टिमल टेबलू जो है उससे हम किस तरह इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हैं डुअल प्रॉब्लम की. डुअल प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव जो वेरिएबल्स हैं उनकी ऑप्टिमल सॉल्यूशन किस तरह, ऑप्टिमल वैल्यू जो है वो किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं, और हमने दो मेथड स्टडी किए थे. फर्स्ट मेथड ये कहता था कि ऑप्टिमल टेबलू में जो जेड इक्वेशन के कॉफिशेंट्स हैं स्टार्टिंग बेसिक वेरिएबल्स के, उन कॉफिशेंट्स को एड कर दिया जाए अगर उन्हीं स्टार्टिंग बेसिक वेरिएबल जिससे हमने, जिन वेरिएबल से टेबलू प्राइमल का टेबलू स्टार्ट किया था, किन कॉफिशेंट्स में, जी के ओरिजिनल जी इक्वेशन के कॉफिशेंट्स में ऐड कर दिया जाए, तो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द प्राइमल वेरिएबल वाई आई. और यहाँ पे एक बात खास ख्याल रखनी थी कि आपने उन्हीं वेरिएबल्स के कॉरस्पॉन्ड एसोसिएटेड प्राइमल के ऑप्टिमल ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमल टेबलू में ऑब्जेक्टिव इक्वेशन में कॉफिशिएंट देखने थे, जिन इक्वेशंस के कोरस्पोंड आपने डुअल वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं. क्या मैं कह रहा हूं, फॉर एग्जांपल वाई वन अगर मैंने फर्स्ट कंस्ट्रेंट इक्वेशन के कोरस्पोंड जो है वो डिफाइन किया हुआ है वेरिएबल डुअल का वाई वन, तो मुझे फर्स्ट बेसिक वेरिएबल जो कि फर्स्ट कंस्ट्रेंट में है उसके कॉफिशेंट को ऑप्टिमल प्राइमल टेबलू में और जी का कॉफिशेंट देखना पड़ेगा उसी वेरिएबल का. फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट कंस्ट्रेंट में लेट से एक्स फोर जो है वो बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है, तो वाई वन की ऑप्टिमल वैल्यू लिखने के लिए मैं अपने ऑप्टिमल टेबलू में एक्स फोर का जी इक्वेशन में कॉफिशेंट देखूंगा, उस कॉफिशेंट को एड कर दूंगा, ओरिजिनल जो मेरा प्रॉब्लम था एलपी प्रॉब्लम उसमें एक्स फोर का जो कॉफिशेंट है ओरिजिनल जी इक्वेशन में उन दोनों को एड कर लूंगा, दैट विल गिव मी माय ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल डुअल वेरिएबल वाई वन. ये हमने सीखा था. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है मैंने आपको लास्ट में दिया था वो आपने किया होगा, और आपने रियलाइज भी किया होगा कि उस प्रॉब्लम में एक खास बात नोट करने वाली थी कि आपने इनफैक्ट जस्टिफाई करना था कि वेदर डुअल को सॉल्व करने से कंप्यूटेशंस कम हुई हैं या प्राइमल को सॉल्व करने से कंप्यूटेशंस कम हुई हैं, और वो बाय हैंड करना प्रॉब्लम काफ़ी मुश्किल था, प्रैक्टिस प्रॉब्लम. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यू शुड यूज सम ओआर सॉफ्टवेयर विच आर अवेलेबल इन द मार्केट. ठीक है, तो फिर उसके बाद मेथड टू भी हमने पढ़ा था. मेथड टू में ये था कि आप एक रो निकालते थे बेसिक वेरिएबल्स के कॉरस्पॉन्ड
अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, जो भी बेसिक वेरिएबल्स, बेसिक वेरिएबल्स इन द ऑप्टिमल टेबलू, वो उसके कोरस्पोंड आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रो निकालते थे, उस रो को मल्टीप्लाई करते थे ऑप्टिमल प्राइमल इनवर्स से। और ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था कि सिंप्लेक्स टेबलू में आपका ऑप्टिमल प्राइमल इनवर्स जो है वो मैट्रिक्स किस तरह आपने एक्सट्रैक्ट करना है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था। अब लास्ट लेक्चर में जो हमने स्टडी किया था उससे आपको इम्पॉर्टेंस ऑफ डुअल प्रॉब्लम्स, ये तो आपने रियलाइज कर ही लिया होगा कि डुअल प्रॉब्लम्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं। और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि लास्ट में मैंने आपको सेकेंड लास्ट स्लाइड में या उससे पहली स्लाइड में बताया था कि अगर आपके प्रॉब्लम, जाहिर बात है प्राइमल और डुअल एक दूसरे से उलट मैक्सिमाइज या मिनिमाइजेशन का होते हैं, इफ़ योर एलपी प्रॉब्लम हैज़ अ फिजिबल सोल्यूशन देन मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन विल रीच एट द सेम पॉइंट, ऑप्टिमल सोल्यूशन पे कन्वर्ज करेंगे, क्योंकि मैक्सिमाइज ने जीरो से स्टार्ट करना है और इंक्रीज करना है, मिनिमाइजेशन ने ऊपर कोई वैल्यू होगी उससे डिक्रीज करना है, ठीक है। तो अगर ऑप्टिमल सोल्यूशन कोई है तो वो वहाँ पे आके दोनों प्राइमल का ऑप्टिमल वैल्यू और डुअल की ऑप्टिमल वैल्यू जो है वो मिल जाएगी प्राइमल पे, अगर आपके एलपी प्रॉब्लम्स का ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन है। अगर ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन नहीं है फिर ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों जो है एक ही पॉइंट पे सोल्यूशन पे कन्वर्ज करें, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, हमने जो सिंप्लेक्स टेबलू की है उसकी कंप्यूटेशंस इन डेप्थ एनालिसिस करना है, ठीक है। मैट्रिसेस की फॉर्म में देखेंगे सिंप्लेक्स टेबलू की कंप्यूटेशंस को, और किसी भी आइटरेशन पे हम सिंप्लेक्स टेबलू के अगर कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी गई हो, फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिमल प्राइमल इनवर्स मैट्रिक्स दिया गया हो, तो हम ये चाहेंगे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन और बाकी इंफॉर्मेशन जो है टेबलों की वो भी डिटरमिन कर सकें। तो आज का लेक्चर जो है ये भी इट्सेल्फ इन हिज ओन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या ऑब्जेक्टिव है कि आपको रादर देन के कंप्लीट टेबलू सिंप्लेक्स टेबलू देने की बजाय आपको टेबलू का फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिमल प्राइमल इनवर्स दे दिया जाए, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था एक खास पोर्शन होता है आपके जो है सिंप्लेक्स टेबलू का, वो दे दिया जाए तो आप जी कोफिशेंट, जेड इक्वेशन के कोफिशेंट किस तरह लिखेंगे और बाकी इंफॉर्मेशन जो है अपने टेबलू की वो किस तरह गैदर करेंगे। टेबलू आपके पास नहीं है, सिर्फ आपके पास ऑप्टिमल प्राइमल इनवर्स है जो कि एक मैट्रिक्स होता है। इसी तरह डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दी गई है, पार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट द टेबलू, तो सिंप्लेक्स एल्गोरिदम या टेबलू की बाकी इंफॉर्मेशन जो है किस तरह निकालते हैं ये हम आज के लेक्चर में देखने हमने। और सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर कंटेन्स द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डुअल प्रॉब्लम, ये बड़ा इकोनॉमिकली डुअल वेरिएबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डुअल कंस्ट्रेंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारा हर एलपी प्रॉब्लम जो है वो तो एक फिजिकल प्रॉब्लम से आता है, जैसे हमने रेडीमिक्स प्रॉब्लम किया, ट्वाइको प्रॉब्लम किया, विंडोर कंपनी के लिए जो कि विंडोज़ और डोर्स बनाती थी शीशे के और वुड के, उसके लिए प्रॉब्लम किया। सो हम चाहते हैं कि हम इंटरप्रेट करना भी सीखें आज के लेक्चर में कि डुअल प्रॉब्लम के वेरिएबल्स को और उसके कंस्ट्रेंट्स को किस तरह फिजिकली इंटरप्रेट करना है, दैट विल बी सेकेंड पार्ट ऑफ टूडेज लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। टूडे वी आर हैविंग द 14th लेक्चर। तो सबसे पहले मैंने कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं और सिंप्लेक्स टेबलू की कंप्यूटेशन, इनफैक्ट टाइटल ही ये है वन पार्ट ऑफ द लेक्चर का कि सिंप्लेक्स टेबलू की जो कंप्यूटेशन हैं वो हमने किस तरह करनी है। उसके लिए द ऑब्जेक्टिव इज टू नो, क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इज टू नो हाउ एट एनी आइटरेशन, पहले ही मैंने आपको बता दिया, हाउ एट एनी आइटरेशन ऑफ एंटायर सिंप्लेक्स टेबलू कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल डाटा ऑफ द प्रॉब्लम, द इनवर्स एसोसिएटेड विद द आइटरेशन एंड द डुअल प्रॉब्लम,
वी कैन डिवाइड द कंप्यूटेशंस इनटू टू स्टेप्स. अपनी ये कंप्यूटेशंस को हम दो स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं. कंस्ट्रेंट्स कॉलम्स लेफ्ट एंड राइट साइड. टेबलू में अगर आप याद रखें कंस्ट्रेंट्स जो हैं उसके ईच वेरिएबल के कोरस्पोंड हमारे पास कॉलम्स होते हैं और बेसिक वेरिएबल्स के कोरस्पोंड हमारे पास रोज होती हैं. ठीक है. ऑब्जेक्टिव जेड रो. ठीक है. फार्मूला वन क्या है? फार्मूला वन सेज दैट कि कंस्ट्रेंट कॉलम्स जो हैं वो किस तरह कंप्यूट किए जाते हैं. इन एनी सिंप्लेक्स आइटरेशन, सिंप्लेक्स की किसी भी आइटरेशन में अ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड कॉलम इज कंप्यूटेड एज फॉलोज. किस तरह? कंस्ट्रेंट कॉलम इन आइटरेशन आई इक्वल्स इनवर्स इन आइटरेशन आई. ये इनवर्स वो प्राइमल इनवर्स जो हमने डिफाइन किया था टेबलू के खास बेसिक वेरिएबल्स के नीचे जो होता है उसको इनवर्स इनवर्स इन आइटरेशन आई इनवर्स मैट्रिक्स कहा था. मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल कंस्ट्रेंट कॉलम. ओरिजिनल कंस्ट्रेंट कॉलम इन योर टेबलू. सेकेंड फार्मूला क्या है? ऑब्जेक्टिव जेड रो कंप्यूटेशंस के लिए सेकेंड फार्मूला हम यूज करेंगे. इन एनी सिंप्लेक्स आइटरेशन द ऑब्जेक्टिव इक्वेशन कॉफिशेंट और ऑब्जेक्टिव इक्वेशन कॉफिशेंट को हम रिड्यूस्ड कॉस्ट भी कहते हैं ऑफ एक्स जे. एक्स जे डिसीजन वेरिएबल है इज कंप्यूटेड एज फॉलोज. प्राइमल जेड इक्वेशन कॉफिशेंट ऑफ वेरिएबल एक्स जे. प्राइमल में जो आपके पास जी इक्वेशन है उसका जो कॉफिशेंट है एक्स जे का इक्वल्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जेथ ड्यूअल कंस्ट्रेंट. लेफ्ट हैंड साइड जो बन रही है जेथ और वाई जेथ, क्योंकि ड्यूअल हम कंस्ट्रक्ट इस तरह करते हैं कि हर डिसीजन वेरिएबल जेथ वेरिएबल के कोरस्पोंड आपके पास एक कंस्ट्रेंट आते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जेथ ड्यूअल कंस्ट्रेंट जो कि इनफैक्ट जितने भी आपके पास होते हैं कंस्ट्रेंट्स होते हैं प्राइमल में उनमें एक्स जे जो डिसीजन वेरिएबल होता है उनके कॉफिशेंट्स जो है वो फॉर्म करता है. ठीक है. याद है ना आपको इसी तरह हम वाई वन वाई टू डिफाइन करते थे. यहाँ पे कंस्ट्रेंट होते थे तो कंस्ट्रेंट होते थे प्राइमल के. अब एक कंस्ट्रेंट आपने एक्स कोरस्पॉन्ड टू ईच वेरिएबल एक्स जे यू आर हैविंग अ कंस्ट्रेंट इन द ड्यूअल प्रॉब्लम. और वो किस तरह कंस्ट्रक्ट करते थे कि एक्स जे के कॉफिशेंट्स देखते थे इन इक्वेशंस में कौन कौन से कॉफिशेंट्स होते हैं. उन कॉफिशेंट्स को मल्टीप्लाई करके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जी में एक्स जे का कॉफिशेंट होता था वो लेस देन और इक्वल टू. अगर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है प्राइमल ग्रेटर देन इक्वल टू दैट कॉफिशेंट जो कि मैं स्मॉल स्क्वायर से लिख रहा हूं. ये हमने लास्ट लेक्चर में बड़ी अच्छी तरह सीखा था. सो प्राइमल जी इक्वेशन कॉफिशेंट ऑफ वेरिएबल एक्स जे इक्वल्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जेथ ड्यूअल कंस्ट्रेंट माइनस राइट हैंड साइड ऑफ द जेथ ड्यूअल कंस्ट्रेंट. ठीक है. प्राइमल में जेड इक्वेशन किस तरह हम लिखते हैं. ठीक है. अब यहां पे एक जो है प्रॉब्लम मैंने लिया हुआ है. द प्राइमल इन द इक्वेशन फॉर्म इज दिस वन मैक्सिमाइज जी इक्वल्स 5x1 प्लस 12x2. इनफैक्ट लास्ट लेक्चर का ही प्रॉब्लम है. प्लस 4x2 3 प्लस 0x4 माइनस एम आर. आर जो है वो आपका क्या है? आर्टिफिशियल वेरिएबल है. आर्टिफिशियल वेरिएबल. और m क्या है? m इज अ पॉजिटिव लार्ज नंबर. ये लार्ज नंबर सब्जेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट्स. अब इसका ऑप्टिमल टेबलू जो है वो ये दिया गया है. ऑप्टिमल टेबलू ये दिया गया. हमारा प्रॉब्लम से हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि स्टार्टिंग टेबलू पे
ए ब्लू पे, हमारा बेसिक सॉल्यूशन क्या था? बेसिक सॉल्यूशन था एक्स फोर इक्वल्स 10 एंड आर इक्वल्स 8. अब इसके कोरस्पॉन्ड स्टार्टिंग टेबल में हमारे यहाँ पे जो था वो क्या वैल्यूज थी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स था 1 0 0 1 था. तो हमारा ऑप्टिमल इन्वर्स मैट्रिक्स क्या बनेगा? ये मैट्रिक्स बनेगा, ऑप्टिमल इन्वर्स फॉर दिस प्रॉब्लम. ठीक है, फ्रॉम द अबव टेबलू वी हैव ऑप्टिमम इन्वर्स इक्वल्स दिस. अब द फार्मूला वन इज, फार्मूला वन क्या कहता है कि एक्स जे कॉलम इन ऑप्टिमल अल्टरनेशन. फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि आपको सिर्फ ये कंप्लीट टेबलू नहीं दिया गया, सिर्फ ये ऑप्टिमम इन्वर्स दिया गया, तो आप एक्स वन हर कॉफिशियंट जितने भी वेरिएबल्स हैं सबका कॉलम्स जो है वो निकालना चाहते हैं ऑप्टिमम टेबलू में. तो आपके पास एक्स वन कॉलम इन ऑप्टिमल आइटरेशन इक्वल्स इनवर्स इन आइटरेशन आई. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑप्टिमल टेबलू है तो इनवर्स इन ऑप्टिमल टेबलू मल्टीप्लाइड ओरिजिनल कंस्ट्रेंट कॉलम. ओरिजिनल कंस्ट्रेंट कॉलम, यहाँ पे टेबलू तो ओरिजिनल टेबलू तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन प्रॉब्लम इसीलिए मैंने लिखा हुआ है कि एक्स वन के कोरस्पोंड ओरिजिनल कंस्ट्रेंट कॉलम कौन सा है. एक्स वन के कोरस्पोंड एक्स वन की वैल्यू 1 2 है, ये ओरिजिनल कंस्ट्रेंट कॉलम है एक्स वन के कोरस्पोंड. ठीक है, इसीलिए मैंने ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, टेबलू नहीं लिखा हुआ. टेबलू आप इसी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इजीली, और आप एक्सपर्ट होंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से टेबलू कंस्ट्रक्ट करने के लिए. तो एक्स वन कॉलम इन ऑप्टिमल आइटरेशन, अब ये जरूरी नहीं है कि ये ऑप्टिमल आइटरेशन के लिए हो. अगर इनवर्स फंक्शन किसी भी आइटरेशन पे टेबलू का दिया गया हो तो आप ये कॉफिशियंट बाकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. ठीक है, तो इनवर्स इन आइटरेशन आई जो के इनवर्स ऑप्टिमल टेबलू में इनवर्स कॉलम ये है मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल टेबलू में स्टार्टिंग टेबलू में एक्स वन का कॉलम. एक्स वन का कॉलम यहाँ पे यही है ना जी इक्वेशन के अलावा, ये ऑप्टिमम टेबलू में है लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन में 1 2 था. अब ये हम ऑप्टिमल टेबलू में कॉलम इन दोनों को, फार्मूला वन क्या कहता है कि ऑप्टिमल इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें ओरिजिनल कॉलम के साथ, आपके पास कॉलम आना चाहिए ऑप्टिमल टेबलू में जो कॉलम है एक्स वन का. देखें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें, आपके पास यही आ रहा है. लेट्स वेरीफाई दिस वन. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इसका 2 by 2 ऑर्डर है और इसके नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है. सो द आंसर विल बी 2 by 1. इसका 2 by 1 नहीं है मैट्रिक्स का ऑर्डर. किस तरह निकाला है ये हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से हमें निकाला है 2 by 5 minus 1 by 5 into 2 which is equals 0. तो फर्स्ट एंट्री तो 0 आ गई. 1 by 5 plus 2 2s are 4 by 5 which is equals 1. So this is becoming 0 and 1 exactly as I have written in the slide. अब suppose x3 column in optimal iteration निकालना हो तो optimal inverse multiplied by x3 column. x3 column क्या है आपका? यहाँ पे 1 3 है. ठीक है, तो ऑप्टिमल इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो ये कॉलम होगा आपका ऑप्टिमल टेबलू में जिस आइटरेशन पे इन्वर्स जो है वो दिया गया. अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए इन्वर्स जो है ऑप्टिमल के लिए दिया गया, तो ऑप्टिमल टेबलू में x3 का कॉलम जो होगा वो ये होगा. इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें, -1 by 5 and 7 by 5 एंड यू कैन वेरीफाई बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. और x3 का कॉलम देखें यहाँ पे -1 by 5 7 by 5 ही है, वेरीफाइड. फार्मूला वन एग्जैक्टली सेम चीज है. x4 का कॉलम जो है ओरिजिनल स्टार्टिंग टेबलू में वो मैं यहां से पता चल सकता है. x4 का कॉलम क्या है? 1 and 0. यहां पे x4 है ही नहीं सेकेंड कंस्ट्रेंट में, तो 0 हुआ कॉफिशियंट इसका.
ऑप्टिमल टेबलू में एक्स फोर का कॉलम क्या होगा, ऑप्टिमल इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज 2/5 एंड 1/5। अब एक्स फोर का अगर कॉलम आप देखना चाहें, ये 2/5 और 1/5 ही है ये वाला, ठीक है। सिमिलरली वी कैन गेट द अदर वैल्यूज, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने किया हुआ है। अब आर कॉलम निकालना है आपने, स्टार्टिंग टेबलू में आर का कॉलम क्या है, आर का कॉलम फर्स्ट कंस्ट्रेंट में आर है ही नहीं तो जीरो कोफिशेंट है आर का, सेकेंड कंस्ट्रेंट में आर वन है, इस मैट्रिक्स को ऑप्टिमल इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें एंड यू विल गेट द कॉलम ऑफ आर इन द ऑप्टिमल आइटरेशन, जो कि ये लिखा हुआ 2/5 0 माइनस 1/5 और 2/5 बचेगा, आप यहां से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये करने का मकसद क्या है, ये मकसद है करने का कि आपको अगर इंफॉर्मेशन दी गई हो सिर्फ किसी भी आइटरेशन पे, आपको इनवर्स दिया गया हो टेबलू का जो कि बेसिक स्टार्टिंग वेरिएबल्स के कॉरेस्पॉन्ड होता है, ठीक है, तो आप कंप्लीट टेबल जो है वो टेबलू जो है वो लिख सकते हैं। जैसे यहां पे हम आर वन कॉलम जो है वो निकाल रहे हैं, राइट हैंड साइड कॉलम इन ऑप्टिमल ऑल्टरेशन, राइट हैंड साइड ऑफ कंस्ट्रेंट्स, राइट हैंड साइड का कॉलम क्या बन रहा है कंस्ट्रेंट्स का 10 एंड 8, और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, ऑप्टिमल इनवर्स से, ऑप्टिमल इनवर्स ये है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें 12/5 26/5 आता है और ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन में सॉल्यूशन है, x2 इक्वल्स 12/5 एंड x1 इक्वल्स 26/5। अब एक बात याद रखिएगा, वो बात क्या है कि आपको ये जरूरी नहीं है कि इस एग्जांपल में मैंने ऑप्टिमल टेबलू लिया हुआ है और ऑप्टिमल इनवर्स लिया, ये जरूरी नहीं है कि आप ऑप्टिमल टेबलू का ही इनवर्स के लिए ये कर सकते हैं, किसी भी अल्टरेशन के लिए कर सकता हूं और ये मैं बार बार कह रहा हूं लेक्चर में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम उसी प्रॉब्लम का जो डुअल प्रॉब्लम जो है वो लिखते हैं। डुअल प्रॉब्लम हमने लास्ट लेक्चर में लिखा हुआ है, ओरिजिनल एलपी प्रॉब्लम मैक्सिमाइज का था, डुअल जो है ये मिनिमाइज का होगा, W equals 10y1 plus 8y with all these constraints. ठीक है? The optimal value of the dual variables equals y1 equals 29/5 and minus 2/5. ये आती है. अब ये optimal table मैंने लिखा हुआ है. Of primal LP प्रॉब्लम, ठीक है, इसको अब जो मैंने लिखा हुआ है मैं फॉर्मूला 2 यूज करके जो है जेड कोफिशिएंट्स जो है ये निकालूंगा, और क्वेश्चन अराइजेस कि जब हमारे पास ये सिर्फ इनवर्स दिया गया है और ओरिजिनल LP प्रॉब्लम दिया गया है तो कंप्लीट टेबलू मैं बना सकता हूं, इनफैक्ट ये कॉलम्स तो कम अज कम जरूर, यहां तक मैंने आपको बता दिया कि ये कॉलम्स किस तरह कंस्ट्रक्ट करने हैं, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि ये जेड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं ये भी हम सीखें कि किस तरह हम निकालते हैं। ये फार्मूला 2 में बताता था, फार्मूला 2 था कि प्राइमल जी इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स जे इक्वल्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ jth डुअल कंस्ट्रेंट माइनस राइट हैंड साइड ऑफ द jth डुअल कंस्ट्रेंट। फॉर एग्जाम्पल जेड कॉफिशियंट, जेड में ये जो वैल्यूज हैं x1 का कॉफिशियंट हम निकालते हैं। ये क्या कह रहा है फॉर्मूला 2, क्या कह रहा है, फर्स्ट जो है
एक्स वन के कोरस्पोंड हमारा पहले ही कंस्ट्रेंट आएगा ना, क्योंकि जो प्राइमल में कंस्ट्रेंट होते हैं, पहला कंस्ट्रेंट डुअल में एक्स वन का कोफिशेंट से आता है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये बन रही है वन टू वाई वन प्लस टू वाई टू माइनस राइट हैंड साइड ऑफ दैट कंस्ट्रेंट विच कोरस्पॉन्ड्स टू एक्स वन. एक्स वन के कोरस्पॉन्ड यही आ रहा है ना. और डुअल की डेफिनेशन में हमने ये किया था कि डुअल प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट कोरस्पॉन्ड टू द डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, तो जेड कोफिशेंट ऑफ एक्स वन इक्वल्स वाई वन प्लस टू वाई टू माइनस फाइव. ऑप्टिमल वैल्यूज वाई वन और वाई टू को दी गई हैं, ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करें, यू विल सी यू आर हैविंग द जीरो. ठीक है, सिमिलरली जी कोफिशेंट ऑफ एक्स टू. अब एक्स टू के कॉफी वेरिएबल के कोरस्पोंड मेरा कंस्ट्रेंट क्या आ रहा है, ये वाला कंस्ट्रेंट आ रहा है. सो कॉफिशेंट क्या होगा, टू वाई वन माइनस वाई टू माइनस ट्वेल्व. अब वाई वन वाई टू की ऑप्टिमल वैल्यू जो है वो मुझे पता है, ये ऑप्टिमल वैल्यू अगर मैं इसमें डाल दूं तो आई विल सी कि ये भी जीरो है, ये कॉफिशेंट वेरीफाई भी होते जा रहे हैं क्योंकि मैंने ऑप्टिमल टेबल यहां पे लिखा. एक्स वन का भी कॉफिशेंट जीरो, जी इक्वेशन. एक्स टू का भी कॉफिशेंट जीरो. ओके जी, सो अगर हमने जी कॉफिशेंट जेड का कॉफिशेंट एक्स थ्री का कैलकुलेट करना हो तो मुझे एक्स थ्री के कोरस्पॉन्ड कंस्ट्रेंट लिखना पड़ेगा. दैट कंस्ट्रेंट विल बी वाई वन प्लस थ्री वाई टू, जो कि ये है वाई वन प्लस थ्री वाई टू यहां पर लिखा हुआ है, माइनस राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट विच इज फोर. अब यहां पे वाई वन वाई टू की वैल्यूज अगर मैं डाल दूं तो यू कैन इजीली वेरीफाई कि ये जो है ये इक्वल्स थ्री बाय फाइव आ रहा है, जो कि हमारा कोफिशेंट है उसका ऑप्टिमल टेबलू में, जो कि यहां पे दिया गया है. ठीक है, इनफैक्ट इट इज 29 बाय 5 माइनस 6 बाय 5 माइनस 4. एलसीएम जब हम लेंगे तो ये 29 माइनस 6 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स 3 बाय 5. ये सब आप वेरीफाई कर सकते हैं. ठीक है, अब x1, x2, x3 का कोफिशेंट निकाल लिए. नेक्स्ट स्लाइड में मैंने x4 और r आर्टिफिशियल वेरिएबल उसके भी कॉफिशेंट निकालने हुए हैं और टेबलू भी लिखा हुआ है ताकि फौरन हम वेरीफाई भी कर सकें. अब फॉर एग्जांपल x4 के कोरस्पोंड कंस्ट्रेंट मेरा ये था, इसका मतलब ये हुआ है z कॉफिशेंट इक्वल्स 2y1 माइनस 12 होगा. अब y1 जो है वो मेरा 29 बाय 5 है माइनस 12, और इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा जो है ये x4 कोफिशेंट जो है y1 माइनस 0 विच इज 29 बाय 5 माइनस 0 इक्वल्स 29 बाय 5 ही बनेगा, और 29 बाय 5 ही x4 का कोफिशेंट है. ठीक है, यहाँ पे ये डुअल में भी मेरा ख्याल है मिस्टेक है. आज क्या हो गया, सारा जो मिस्टेक ही होता जा रहा है. ये प्लीज एडिट कर दीजिएगा, ये मैं पूरी स्लाइड ही दोबारा करता हूँ अभी स्टार्ट ही. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बाकी कॉफिशेंट्स जो हैं x4 जो है वो भी कैलकुलेट करूंगा और r के भी कॉफिशेंट कैलकुलेट करूंगा. x4 का कॉफिशेंट कैलकुलेट किया बाय द फार्मूला, इट इज कमिंग 29 बाय 5 एज वी हैव इन द ऑप्टिमल टेबलू. दिस वाज द ऑप्टिमल टेबलू ऑफ प्राइमल. ठीक है, पिछली स्लाइड में भी जो था. अब r का कॉफिशेंट करना है, r का कॉफिशेंट जो है वो इस कंस्ट्रेंट के कोरस्पॉन्ड है, तो ये क्या बन रहा है आपका
y2 minus minus times ym जो कि राइट हैंड साइड है और ये आपका बन जाएगा यहाँ पे जीरो होगा और ये आपका बन जाएगा y2 की वैल्यू क्या है माइनस टू बाय फाइव माइनस एम इक्वल्स माइनस टू बाय फाइव प्लस एम और ये आप चेक कर सकते हैं कि ऑप्टिमल टेबल में यही वैल्यू है जो कि हमने फार्मूला टू से कैलकुलेट की है. रिमार्क है नोटिस दैट फार्मूला वन एंड फार्मूला टू कैलकुलेशंस कैन बी अप्लाइड एट एनी इटरेशन और ये मैं आपको पहले ही बताता आया हूँ कि ऑप्टिमल टेबलू के लिए मैंने किया है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऑप्टिमल टेबलू के लिए ही कर सकते हैं ये किसी भी इटरेशन के लिए पॉसिबल है. आपको सिर्फ ये जो है इंफॉर्मेशन दी गई होनी चाहिए फार्मूला वन के लिए इन्वर्स ये दिया गया होना ये होना चाहिए और ओरिजिनल एल पी प्रॉब्लम होना चाहिए. जेड कॉफिशेंट लिखने के लिए आपके पास डुअल प्रॉब्लम होना चाहिए और ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ डुअल वेरिएबल होना चाहिए या डुअल वेरिएबल्स की एट दैट टाइम इटरेशंस पे वैल्यूज होनी चाहिए आइदर द प्राइमल और द डुअल प्रॉब्लम. ऑल वी नीड इज द इनवर्स यही मैंने बता दिया आपको इनवर्स एसोसिएटेड विद द प्राइमल और डुअल इटरेशन एंड द ओरिजिनल एल पी डाटा. ओरिजिनल एल पी डाटा जो है ये में चाहिए होता है. अब सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर जिसमें इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डुअलिटी डुअल प्रॉब्लम की जो है ये हमने सीखनी है. द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन बी व्यूड एज रिसोर्स एलोकेशन मॉडल इन विच द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द लिमिटेड सोर्सेज. Consider the following general representation of primal and dual. अब ये general primal है. Maximize z equals summation j equals 1 to n cj xj. कितने decision variable हैं हमारे पास? n variables हैं. ठीक है. कितने constraint हैं हमारे पास? m equations हैं. और m constraints हैं हमारे पास. ठीक है? All constraints are non-negative. ये हमारा प्राइमल है. कोरस्पॉन्डिंग डुअल हमारा ये है मिनिमाइज w इक्वल्स जितने कंस्ट्रेंट हैं उतने वेरिएबल. इसी तरह हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट टू जितने आपके पास वेरिएबल्स हैं उतने आपके पास कंस्ट्रेंट इन द डुअल. ठीक है? और yi ग्रेटर देन जीरो. ठीक है? ये मैक्सिमाइजेशन का था तो ये डुअल के कंस्ट्रेंट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे. Viewed as a resource allocation model, the primal problem has n economic activities and m resources. तो primal को interpret किस तरह किया जा सकता है अगर हम resource allocation problem consider करें primal LP problem को तो it could be considered, it could be viewed as the problem of and different activities corresponding to our decision variables and we have m different resources. The coefficient cj in the primal represents the revenue per unit of activity j. Coefficient cj jo hai primal mein represent kar raha hai revenue per unit of activity. Resource I whose maximum availability is bi is consumed at the rate of aij. अब ये primal problem को LP problem को generally हमने interpret कर दिया as a resource allocation model. ठीक है? तो resources की maximum availability ये है, resources की consumption जो है for each activity xj are the economic activities वो aij है resource. लेट से आई इक्वल्स वन के लिए ए वन जे होगी रिसोर्स की कंजम्पशन बाय द इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्स जे वन से अप टू एम. अब ये तो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन थी प्राइमल की. अब इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन हमने स्टडी करनी है डुअल वेरिएबल्स की कि भाई अगर ये जो प्राइमल की इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन हमने की है कि रिसोर्सेज और जो है एलोकेशन मॉडल जो है हमने किया है तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे डुअल के वेरिएबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं.
द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस व्हेन फाइनाइट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग, क्योंकि ये मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम था. मैक्सिमाइजेशन जो है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है और ऊपर जाती है. तो प्राइमल का ऑब्जेक्टिव वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द ऑब्जेक्टिव वैल्यू ऑफ द डुअल प्रॉब्लम. इक्वालिटी का बोर्ड z इक्वल्स w प्राइमल सॉल्यूशन पे पास होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे. द स्ट्रिक्ट इक्वालिटी z इक्वल्स w होल्ड्स व्हेन बोथ द प्राइमल एंड द डुअल सॉल्यूशंस आर ऑप्टिमल. द ऑप्टिमल कंडीशन z इक्वल्स w given that the primal problem represents a resource allocation model, we can think of z as representing revenue in dollars. Bilkul sahi hai, z ko hum represent kar sakte hain revenue in dollars, because bi is the representation of the resources, the number of units available of resource I. The equation z equals w can be expressed as the revenue in dollars equals sum of the I units of resources I multiplied per dollar unit of resource I. Revenue jo hai wo is tarah hum likhe. This means that the dual variable yi represents the worth per unit of resource. इसीलिए इसको हम डुअल भी कहते थे सेंसिटिविटी एनालिसिस में. याद आ गया आपको, सेंसिटिविटी एनालिसिस में वर्थ पर यूनिट ऑफ रिसोर्स आई, इसको हमने डुअल प्राइस के नाम से क्या नाम दिया था, डुअल प्राइस, इसीलिए हम कहते हैं. सो ईच डुअल वेरिएबल रिप्रेजेंट्स द वर्थ पर यूनिट ऑफ रिसोर्स आई as stated in the sensitivity analysis. The standard model name dual or shadow price of resource I replaces the name worth per unit in all LP literature and software packages. Yani ke jo worth per unit of resource I, ye jo hai isko replace kar diya gaya hai by standard name dual or shadow price, और तमाम software वगैरह जो है ये use करते हैं. एक example से जरा कोशिश करते हैं सीखने की कि economic interpretation किस तरह की जा सकती है. The ready mix model and its dual are given in this table. Ready mix model आपको याद है ना, हमने शुरू के lectures में start किया था और अभी तक हम उसको discuss कर रहे हैं और end तक ये स्टार्ट लेगा. ओआर के प्रॉब्लम्स की यही ब्यूटी है कि वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग और तमाम कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी नोन प्रॉब्लम्स पे जो है हम अप्लाई कर सकते हैं. रेडीमिक्स प्राइमल जो है, मैं आपको इनफॉर्मली बता देता हूँ कि रेडीमिक्स कंपनी दो तरह के पेंट्स प्रोड्यूस करती थी, एक इंटीरियर पेंट एक एक्सटीरियर पेंट, और दो रॉ मटीरियल M1 और M2 यूज़ करती थी. और दो कंस्ट्रेंट्स हमारे पास आते थे, एक डिमांड कंस्ट्रेंट था कि 2 टन जो है वो मैक्सिमम डिमांड है, और एक और कंस्ट्रेंट था जो कि मार्केट का कंस्ट्रेंट था. ये सब मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. मैक्सिमाइज z इक्वल्स दिस वन, रिसोर्स वन M1 जो हमने ओरिजिनल प्रॉब्लम में कहा था, रिसोर्स टू M2, रिसोर्स 3 इनफैक्ट मार्केट लिमिटेशन थी, और रिसोर्स 4 जो थी वो डिमांड थी. X2 के कॉरस्पॉन्ड जो पेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टन उसकी डिमांड है, वो डेली उससे ज़्यादा नहीं है. इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो था वो ये था, X1 इक्वल्स 3, X2 इक्वल्स 1.5, Z इक्वल्स 21. अब रेडी मिक्स प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. इसका डुअल प्रॉब्लम जो है वो आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और वो यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक दो मैं बता देता हूँ कि कितने इसके वेरिएबल होंगे जितने इसके कंस्ट्रेंट हैं. 1, 2, 3, 4, 4 कंस्ट्रेंट हैं. ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसका क्या होगा, 24y1 प्लस 6y2 प्लस y3 प्लस 2y4. और इसको हमने क्या करना होगा, w को
मिनिमाइज करना होगा बिकॉज आवर प्राइमल प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन, और तमाम कंस्ट्रेंट जो हम फॉर्म करेंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन के होंगे, ठीक है. और कंस्ट्रेंट सिर्फ दो ही फॉर्म होंगे हमारे पास, एक्स वन के कोरस्पॉन्ड एक्स टू के कोरस्पॉन्ड, और ये कंस्ट्रेंट हमारे फॉर्म होंगे. अब इस डुअल प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वाई वन इक्वल्स 0.75 आता है, वाई टू इक्वल्स, ये प्लस नहीं है, वाई टू इक्वल्स 0.5 आता है, वाई थ्री इक्वल्स, वाई फोर इक्वल्स 0 आता है, और डब्ल्यू इक्वल्स 21 आता है. द ऑप्टिमल डुअल सॉल्यूशन शोज दैट द डुअल प्राइस वर्थ पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल एम वन रिसोर्स इज 0.75. अब याद कीजिएगा कि हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस रेडी मिक्स के लिए नहीं किया था, इसीलिए डुअल जो है प्रॉब्लम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब यूनिट वर्थ प्राइस अगर हमें पता चल जाती है तो हम ये कम अज कम डिसाइड कर सकते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस वाला लेक्चर अगर आप रिकॉल करें, कि हम कम अज कम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन से रिसोर्स को बढ़ाना चाहिए. जिसकी यूनिट प्राइस जो है ज्यादा होगी वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा रेवेन्यू में, उसी रिसोर्स को इंक्रीज करने की कोशिश करनी चाहिए. अब वाई वन जो था वो डुअल वेरिएबल था कोरस्पॉन्ड टू रिसोर्स एम वन, वाई टू जो था वो डुअल वेरिएबल कोरस्पॉन्ड टू रिसोर्स एम टू था. तो रिसोर्स एम वन $0.75 जो है $0.75,000, क्योंकि हमारा याद है कि हमने रेडीमिक्स प्रॉब्लम में ये $5,000 पर यूनिट हमें पर टन जो है वो हमें प्रॉफिट मिलता था. तो हमने तो वाई वन की डुअल प्राइस क्या हुई, वर्थ पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल क्या हुई, जो कि वाई वन डुअल वेरिएबल है कॉरस्पॉन्डिंग टू द रॉ मटेरियल एम वन, वो $750 पर टन हुई, ठीक है. इसको मैंने 100 से जो है डिवाइड कर दिया, ठीक है. एंड दैट ऑफ रॉ मटेरियल एम टू इक्वल्स रिसोर्स टू इक्वल्स $500 पर टन. अब ऑब्वियसली 750 ज्यादा है 500 से, सो आई शुड सजेस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव और ओनर ऑफ द रेडीमिक्स कंपनी कि आपको अगर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ानी है तो रिसोर्स एम वन की बढ़ाएं, क्योंकि एम वन का रिसोर्स बढ़ाने से हमारा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा बढ़ रहा है, $250 जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है. दीज रिजल्ट होल्ड ट्रू फॉर स्पेसिफिक फिजिबिलिटी एज वी हैव डिस्कस्ड इन सेंसिटिविटी एनालिसिस फॉर रिसोर्सेज 3 and 4 रिप्रेजेंटिंग द मार्केट एंड डिमांड लिमिट्स द डुअल प्राइसेस आर बोथ 0, और ये लॉजिक भी है, which indicates that their associated resources are abundant. अब abundant अगर है तो market ये जो है ये तो market demand थी ना कि 2 tons से ज्यादा नहीं produce कर, 2 tons से ज्यादा भी हम produce कर सकते हैं, ठीक है. तो ये abundant है, demand ज्यादा भी हो सकती है, ये resource जो market का हमने किया है ये भी abundant है, hence their worth per unit is 0. इट मीन्स कि दे आर नॉट इन फैक्ट कंट्रीब्यूटिंग इन द दीज टू कंस्ट्रेंट्स आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन द प्रॉफिट, ये प्रॉफिट में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कारण है. अब ये तो पहली बात हमने कर ली कि डुअल, हमने अभी क्या सीखा है, डुअल वेरिएबल्स जो हैं, डुअल वेरिएबल्स की इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन क्या है, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन. अब हम चाहते हैं कि हम इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डुअल कंस्ट्रेंट्स भी करें. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले रिकॉल करते हैं फॉर्मूला 2 जो कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, कि ऑब्जेक्टिव जेड रो कंप्यूटेशंस थी कि जेड रो
सिंप्लेक्स टेबलू में, बल्कि आज के ही लेक्चर में हमने पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में नहीं पढ़ा, कि सिंप्लेक्स टेबलू में किसी भी इटरेशन पे जेड रो के कोफिशेंट्स किस तरह निकालते हैं. इन एनी सिंप्लेक्स इटरेशन द ऑब्जेक्टिव इक्वेशन कोफिशेंट, जिसको रिड्यूस्ड कॉस्ट भी कहते हैं, ऑफ एक्स जे इज कंप्यूटेड एज फॉलोज. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द jth डुअल कंस्ट्रेंट माइनस राइट हैंड साइड ऑफ द jth डुअल कंस्ट्रेंट. ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द jth डुअल कंस्ट्रेंट ये है, माइनस राइट हैंड साइड ये क्या थी ओरिजिनल एलपी प्रॉब्लम में, ये हमारा प्रॉफिट अगर रेडी मिक्स के ही मॉडल के बारे में बोलूं तो सी जे क्या था, ये एक्स जे का कॉफिशेंट था इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्राइमल में, तो सी जे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल एक्स जे. ठीक है, वी यूज डायमेंशनल एनालिसिस वंस अगेन टू इंटरप्रेट दिस इक्वेशन. द रेवेन्यू पर यूनिट सी जे ऑफ एक्टिविटी ए जे इज इन डॉलर पर यूनिट. डायमेंशनल एनालिसिस क्या है कि दोनों का जो है ना डायमेंशन सेम, अगर डॉलर्स में एक चीज है तो दूसरी जो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी डॉलर्स में ही होनी चाहिए. हैंस फॉर कंसिस्टेंसी द क्वांटिटी दिस क्वांटिटी, अगर ये क्वांटिटी डॉलर्स में है तो ये क्वांटिटी मस्ट ऑल्सो बी इन डॉलर्स, इस क्वांटिटी को भी डॉलर्स में होना चाहिए. इस क्वांटिटी को नेक्स्ट बिकॉज सी जे रिप्रेजेंट रेवेन्यू द क्वांटिटी विच अपियर्स इन द इक्वेशन विद एन ऑपोजिट साइन मस्ट रिप्रेजेंट कॉस्ट. अगर ये सी जे जो है ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रेवेन्यू के ऑपोजिट इसका सी जे का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव, बोथ हैव ऑपोजिट साइंस, तो ये जो है ये मस्ट, इट मस्ट बी अ कॉस्ट, इसको हम कहते हैं. दस वी हैव डॉलर कॉस्ट इक्वल दिस वन इक्वल यूजेज ऑफ रिसोर्स आई पर यूनिट ऑफ एक्टिविटी जे मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रिसोर्स आई. What is the conclusion? The conclusion here is that the dual variable yi represents the imputed cost per unit of resource I, and we can think of the quantity which is the left hand side of dual constraint yi, yi ke correspond jo dual constraint hai, as imputed cost of all the resources needed to produce वन यूनिट ऑफ एक्टिविटी जे. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इस सारे एनालिसिस करने का हमारा मकसद क्या था कि हम इंटरप्रेट कर सकें. वो इंटरप्रिटेशन जो है इन सेंटेंसेस में की गई है कि हर डुअल वेरिएबल के कोरस्पॉन्ड, डुअल वेरिएबल याद रखिएगा कि हर कंस्ट्रेंट प्राइमल ओरिजिनल प्राइमल में हर कंस्ट्रेंट के कोरस्पॉन्ड होता है, तो हर डुअल वेरिएबल वाई आई रिप्रेजेंट्स the imputed cost per unit of resource i. और हम क्या कर सकते हैं, ये ए आई जे जो है ये कंजम्पशन है ओरिजिनल एल पी प्रॉब्लम में, सो वी कैन थिंक ऑफ दिस क्वांटिटी एज इंप्यूटेड कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सिस नीडिड टू प्रोड्यूस. अब ये जो कंस्ट्रेंट है ये एक्स जे के कोरस्पोंड था ना, और एक्स जे हमारे प्राइमल प्रॉब्लम में कोई एक जो है वेरिएबल है, एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रिसोर्सेज जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कंज्यूम हो रहे हैं वो ये क्वांटिटी है. द क्वांटिटी दिस वन इंप्यूटेड कॉस्ट माइनस द रेवेन्यू जनरेटेड बाय एक्टिविटी एक्स जे इज रेफर्ड टू एज रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी जे. अब ये रिड्यूस्ड कॉस्ट जो है ये याद रखनी है आपने, ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम यूज करेंगे.
रिड्यूस्ड कॉस्ट इनफैक्ट क्या है कि एक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जे को कंप्लीट करने के लिए जितने रिसोर्सेज हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको हमने इम्प्यूटेड कॉस्ट कहा है, माइनस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रेवेन्यू प्रोड्यूस कर रही है माइनस दैस वन, उस कंप्लीट एक्सप्रेशन को दैट नंबर इज नोन एज रिड्यूस्ड कॉस्ट। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर हम प्रॉफिट में करना चाह रहे हैं तो ये रिड्यूस्ड कॉस्ट जो है ये नेगेटिव होनी चाहिए, सी जे बड़ा होना चाहिए, इम्प्यूटेड कॉस्ट जो है छोटी होनी चाहिए, सी जे बड़ा होना चाहिए, तो नेगेटिव होगा तो फिर हमारा प्रॉफिट जो है वो बनेगा, अदरवाइज हम लॉस जा रहे होंगे। द मैक्सिमाइजेशन ऑप्टिमैलिटी कंडीशन ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड सेज दैट एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एन अनयूज्ड नॉन बेसिक एक्टिविटी जे कैन इम्प्रूव रेवेन्यू ओनली इफ इट्स रिड्यूस्ड कॉस्ट इज नेगेटिव। यही मैंने आपको बता दिया, पहले ही बता दिया, ठीक है, जो मैंने रिड्यूस्ड कॉस्ट के लिए अभी आपको एक्सप्लेन किया। इन टर्म्स ऑफ द प्रोसीडिंग इंटरप्रिटेशन दिस कंडीशन स्टेट्स दैट इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड बाय वन यूनिट ऑफ एक्टिविटी जे शुड बी लेस देन द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ एक्टिविटी जे, सुमेशन जे इक्वल्स वन टू एम ए आई जे एक्स जे माइनस सी वाई जे, यहाँ पे वाई जे था, सी जे, ये था ना इम्प्यूटेड कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट ये थी और ये रेवेन्यू था, इट शुड बी नेगेटिव, इसी को हम, ये नेगेटिव जब होगा तो ये सी जे इस तरफ आ जाएगा और ये इसको इन वर्ड्स में लिखा हुआ, ठीक है। द मैक्सिमाइजेशन ऑप्टिमैलिटी कंडीशन दस सेज दैट इट इज इकोनॉमिकली एडवांटेजियस टू इंक्रीज एन एक्टिविटी टू टू अ पॉजिटिव लेवल इफ इट्स यूनिट रेवेन्यू एक्सीड्स इट्स यूनिट इम्पुटेड कॉस्ट। ये तभी प्रॉफिट कर सकेगा ना जब ये यूनिट रेवेन्यू जो है ये इंक्रीज करे इम्प्यूटेड कॉस्ट से, ये तभी होगा जब ये नेगेटिव हो, ठीक है। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। अब ये ट्वाइको एग्जाम्पल जो है ये यहाँ पे ली गई है, मैंने यहाँ पे ट्वाइको एग्जाम्पल स्टेट भी की गई है ताकि आपको कोई मसला ना हो, और इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग भी हमने की थी ये प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। ट्वाइको मॉडल का प्राइमल जो है वो ये है, विच हैज थ्री ऑपरेशंस एंड ट्वाइको कंपनी मेक्स थ्री ट्वाइज ट्रेन्स ट्रक्स एंड कार्स। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसका सिंप्लेक्स मेथड से वो भी हमने निकाला हुआ है, वो ये है एक्स वन इक्वल जीरो, एक्स टू इक्वल 100, नो प्रोडक्शन ऑफ द ट्रेन्स, 10 यूनिट्स ऑफ द ट्रक्स एंड 230 यूनिट्स ऑफ द कार्स एंड जी इक्वल्स $1350। इसका डुअल जो है वो ये आता है, ठीक है। द ऑप्टिमल प्राइमल सोल्यूशन कॉज फॉर प्रोड्यूसिंग नो ट्वाई ट्रेन्स। अब अभी जो हमने सीखा है वो हम ट्रेन्स को प्रोड्यूस करने के लिए देखते हैं कि क्या ट्रेन्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। अभी जो हमने सीखा है कि इम्प्यूटेड कॉस्ट माइनस रेवेन्यू जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, उस इनइक्वालिटी को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। डुअल मेरा ये आ जाता है, द ऑप्टिमल प्राइमल सोल्यूशन कॉज फॉर प्रोड्यूसिंग नो ट्वाई ट्रेन्स 100 ट्वाई ट्रक्स एंड 230 ट्वाई कार्स। सपोज दैट ट्वाई कंपनी इज इंटरेस्टेड इन प्रोड्यूसिंग ट्वाई ट्रेन्स एज वेल, हाउ कैन दिस बी अचीव्ड। अब ये ओआर एक्सपर्ट जो होगा वो ही बताएगा कि इसको किस तरह अचीव किया जा सकता है। और अभी जो हमने, हम क्या करेंगे, आइडिया क्या है कि ट्रेन की इम्प्यूटेड कॉस्ट जो है, इम्प्यूटेड कॉस्ट माइनस सी जे, इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये हो भी सकती है कि नहीं। अब सपोज दैट, ये मैंने दोबारा यहां पे लिख दिया है, लुकिंग एट द प्रॉब्लम फ्रॉम द स्टैंड व्यू ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिड्यूस्ड कॉस्ट फॉर एक्स वन,
Toyotrains will become attractive economically only if the imputed cost of the resources used produced one toyotrain is strictly less than its unit revenue. अब टॉय ट्रेन के लिए यूनिट रेवेन्यू का क्या था? $3 था. अब इसकी इम्प्यूटेड कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे. इम्प्यूटेड कॉस्ट किस तरह होती है? टॉय कंपनी दस कैन आइदर इंक्रीज द यूनिट रेवेन्यू पर यूनिट बाय रेजिंग द यूनिट प्राइस और इट कैन डिक्रीज द इम्प्यूटेड कॉस्ट. अब मार्केट में ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप प्राइस जो है इंक्रीज कर दें, क्योंकि आप मार्केट में तो आपके पास कंपटीशन होता है. सो दिस इज नॉट फिजिकली पॉसिबल. ठीक है, आपकी ट्रेन बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी. टॉय ट्रेन वो तो कोई परचेज ही नहीं करेगा. ठीक है, परचेज करेगा तो फिर आपको रेवेन्यू या फिर रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट होगा आपका. तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप जो है आप इम्प्यूटेड कॉस्ट जो है उसको कम लाने की कोशिश करें. अब इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ द यूज्ड सोर्सेज जो है वो क्या है? y1 + 3y2 + y3 ये आ रही है. ठीक है, एंड इंक्रीज क्यों? ये ट्रेन बनाने की इंप्यूटेड कॉस्ट आ रही है और ये कोरस्पॉन्ड है हमारा किसके? x1 का जो है कोफिशेंट इन आवर ओरिजिनल एलपी प्रॉब्लम और y1 के कोरस्पॉन्ड फर्स्ट कंस्ट्रेंट जो है, यही आ रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड इसकी y1 + 3y2 + y3. इस इंप्यूटेड कॉस्ट को हम कम करना चाहेंगे. एंड इंक्रीज इन द यूनिट प्राइस मे नॉट बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ मार्केट कंपटीशन. अ डिक्रीज इन द यूनिट इंप्यूटेड कॉस्ट इज मोर प्लॉजिबल बिकॉज इट एंटेल्स मेकिंग इंप्रूवमेंट्स इन द असेंबली ऑपरेशंस. लेट r1 r2 r3 रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शंस बाय विच The unit times of the three operations are reduced. तीनों operations को हमने reduce करना है ना, क्योंकि cost कम करना चाह रहे हैं. The problem requires determining the values of R1, R2 and R3 such that the new imputed cost per toy train is less than its revenue. That is, revenue क्या है? वो $3 है. तो imputed cost हमने वन से R1 ऑपरेशन 1 की कम कर दी, वन से R2 ऑपरेशन 2 की कर दी, वन से R3 ऑपरेशन 3 की कर दी. अब ऑपरेशन 1 यूनिट लेता है, 1 × ये कॉफिशंट्स जो हैं, 1 × 1 − R1 y1 + 3 × 1 − R2 y2 + 1 × 1 − R3 y3 शुड बी लेस देन 3. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इट टर्न्स आउट दिस वन r1 + 6r2 > 4. ठीक है, अब हमने इसको किस तरह किया? हमने ये y1 y2 की वैल्यूज भी डाली हैं यहां पे, y3 की वैल्यूज डाली हैं यहां पे और ये बन गए. दस टॉय को कंपनी शुड नॉट प्रोड्यूस टॉय ट्रेन्स अनलेस एन इंक्रीज इन इट्स यूनिट प्राइस इज पॉसिबल. अब ये इनइक्वालिटी जो थी, ये इनइक्वालिटी अल्टीमेटली ये सिंप्लीफाई हो गई इफ आई पुट y1 y2 y3 और ये आपने वेरीफाई करना है. प्लीज वेरीफाई कीजिएगा कि y1 इक्वल 1 ये वैल्यूज यहां पे डाल के इनइक्वालिटी ये बनती है. इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन रिड्यूस r1 ऑफ ऑपरेशंस व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द टॉय ट्रेन and R2 by these ratios and this inequality should be satisfied. अब ये computed cost जो है वो ये आ रही है और ये revenue जो है यहाँ पे generated by one toy is $3. यहाँ पे तो 3 नहीं है, यहाँ पे तो 4 है. इसका मतलब है कि हमारा cars trains बनाने के लिए decision जो है वो तब तक feasible हो ही नहीं सकता. हमें ट्रेन्स जो हैं वो प्रॉफिट दे ही नहीं सकती जब तक कि उनकी रेवेन्यू जो जनरेट कर रहा है एक कार बेचने से वो कम से कम $4 हो. ठीक है, $4 हो रहा है. तो दस टॉय को शुड नॉट प्रोड्यूस टॉय ट्रेन्स
unless an increase in its unit price is possible. We are at the end of our lecture, or last, at the end of our lecture, we will, I will do, give you some practice problem. Consider the following LP model, maximize z equals x1 plus 14 x2 subject to this one. These are the equation form mein hai. X3 or x4 jo hai, plays the role of my slack variable or starting my basic solution. Check the optimality and feasibility of each of the following basic solution. In sub basic solutions ki optimality condition check karni hai aapne aur feasibility condition check karni hai. Theek hai, iska matlab ye hai ki x2 ka feasibility condition x2 greater than equal to 0 hai, inverse at any iteration aapko diya gaya hai. Aapne इस iteration में जिस iteration का ये inverse है उस iteration पे आपने देखना है कि x2 और x4 के coefficients columns क्या बन रहे हैं tableau में, और ये हमने आज के lecture में सीखा है, और z equation में coefficient क्या बन रहे हैं. उसी से ही तो आप optimality और feasibility जो है वो check कर सकेंगे. right hand side निकालेंगे tableau की, क्या करना है आपने, आपने tableau की right hand side निकालनी है. For example, inverse is inverse ko right hand side of your constraint equation multiply kar denge, right hand side of tableau aa jayegi. Ye aapko bata dega agar positive answer aata hai matrix multiplication ka 21 21 iska to feasible solution hai. Optimality ke liye aapko z ke coefficients z equation mein tableau mein z equation ke coefficients nikalne padenge, theek hai, aur wo bhi aaj ke lecture mein humne seekhe hain. ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने वंस अगेन पिक किया है, बैग को प्रोड्यूसेस लेदर जैकेट्स. और इस क्वेश्चन के लिए ये मैंने इसलिए पिक किया कि आपको मैथमेटिकल मॉडल भी बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो आपने ये प्लीज जरूर ट्राई करना है. बैग को प्रोड्यूसेस लेदर जैकेट्स एंड हैंड बैग्स, तो दो तरह की प्रोडक्ट होगी, लेदर जैकेट्स एंड हैंड बैग. अ जैकेट रिक्वायर्स 8 मीटर स्क्वायर ऑफ लेदर एंड अ हैंड बैग ओनली 2 मीटर स्क्वायर. The labor requirements for the two products are 12 and 5 hours respectively. The current weekly supplies of leather and labor are limited to 1200 meter square and 1850 hours. The company sells ye availability aa gayi resources ki, ye usage aa gaya in products ka. The company sells the jacket and hang bag at these prices. So objective function, agar aap x1 jackets produce karte hain aur x2 bags produce karte hain, to objective function bhi aapka aa gaya. The objective is to determine the production schedule that maximizes the net revenue. Bag co is considering an expansion of production. What is the maximum purchase price the company should pay for additional leather? For additional label, ठीक है. तो ये आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए. मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको, आपने अंडरस्टैंड किया होगा, और ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैंने आपको लास्ट में डिस्क्राइब किए हैं इनको प्लीज़ कीजिएगा, ट्राई टू डू इट योर सेल्फ, और जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं इनको एक बार फिर रिवाइज कीजिएगा, ताहा की बुक में से, हिलियर लिबरमैन की बुक में से, दोनों में ज़रा नोशन जो है वो थोड़ा सा नोशन का डिफरेंस है. और मैं उम्मीद करूँगा कि आप मैच्योर इतने होंगे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर थोड़ी बहुत नोशन जो है वो चेंज की गई. आइडिया इज़ द बेसिक थिंग, तो बेसिक चीज़ जो होती है वो आइडिया ही होता है. टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर डियर वंस एंड द पीपल अराउंड यू. अल्लाह हाफिज़.